तो कुणाल घोष को बोलना पड़ेगा, ममता सबसे करप्टेड पर्सन है। वो क्यों बोला? आज उनका मुखपत्र बन के बचाने के लिए वो जो प्रयास हो रहा है, ये सही नहीं है। वो ममता का पुलिस ने क्यों डॉक्यूमेंट छुपाने के लिए काम किया, आत्महत्या हुआ ये बोल के वो घर पर मैसेज भी दिया, क्यों दिया? वो धर्षण होने के बाद तो क्यों अर्जी करके तत्व छुपाने के लिए वो उनका इशारा से हमला हुआ, फिर भी जहां घटना घटा उनका हल घर क्यों जल्दी जल्दी ये तोड़फोड़ कर दिया ये छुपाने के लिए? इसलिए बंगाल का जनता ममता का क्राइम, ममता के नौटंकी सोच लिया, इसलिए नवंबर घेराव करने के लिए गया। ये भी पता कुणाल घोष का है, लेकिन जनता बेकूफ नहीं है, सब सोचते हैं, इसलिए ही नवान्न पर ही हमला कर रहा है। वो डॉक्यूमेंट्स छुपा के सीबीआई को सौंपा। ममता ने ओनली फॉर असम नहीं बोला, वो जो बृहत इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जो टेररिस्ट ग्रुप अभी बिहार पूर्णिया लेकर नॉर्थ बंगाल लेकर असम त्रिपुरा ये सारी लेकर जो इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए जो प्रयास हो रहा है, ममता का जो धमकी मालूम हो रहा है उनका साथ जुड़ा हुआ, ये इस बारे में जल्दी जल्दी ममता का जांच होना चाहिए, किसका साथ जुड़ा हुआ बृहत्तर बांग्लादेश बनाने के लिए प्रयास का ये बात है ना क्या, ये क्लियर होना चाहिए।